मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, आज है 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत देश की सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ, क्योंकि हमारा भारत देश अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। 22 साल के इंतजार के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल गया है। इस हेलीकॉप्टर के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। यह स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना की शक्ति को बढ़ाएगा। दरअसल यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है और इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती है। वहीं यह एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है, यानी कि पलक झपकते ही दुश्मनों को यह हेलीकॉप्टर ढेर कर देता है। और राजस्थान के लिए भी गर्व की बात यह है, जोधपुर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद एयरफोर्स को यह हेलीकॉप्टर मिला है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के 32,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। CM गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है तथा इसी सिलसिले में राजस्थान में MSME नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इनके माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। CM गहलोत ने जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल जैसे लाइमस्टोन आदि उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर, CM गहलोत ने बजट घोषणाएं पूरी करने को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, गहलोत सरकार इन दिनों बजट 2022-23 की लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुट गई है। राजनीतिक घटनाक्रम की अनहोनी की आशंका के चलते सरकार लंबित बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है और इसके लिए सरकार ने नौकरशाहों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी बजट घोषणा लागू होने से बची है उन्हें जल्द से जल्द विभागवार लागू किया जाए, जिससे कि सरकार अपने 5वां और अंतिम बजट से पहले 4थे बजट की तमाम घोषणाओं का रोड मैप जनता के सामने रख सके। दरअसल राज्य सरकार का पूरा फोकस इन दिनों बजट घोषणाओं पर है, खासकर स्मार्टफोन योजना, फ्लैगशिप योजनाओं और जन घोषणा पत्र के वादों पर है। इसके लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और जन घोषणा पत्र के शेष वादों का तेजी से क्रियान्वयन हो सके, जिससे जनता को योजनाओं का फायदा मिल सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए आज सवेरे 11 बजे बड़ी बैठक भी रखी है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बजट 2022 और 23 की करीब 75% घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है, शेष बची घोषणाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ में हुए राजीव गांधी ओलंपिक कार्यक्रम में कहा है कि राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया गया है। इसके साथ चिरंजीवी योजना में भी लोगों के निःशुल्क इलाज करवाए गए हैं। अब सरकार अगले बजट में युवाओं और स्टूडेंट के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आएगी। CM गहलोत ने कहा है कि अगला बजट युवाओं और छात्रों के लिए होगा। प्रदेश के मौसम के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है, राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से राज्य के मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग राजस्थान के मुताबिक 5 अक्टूबर को बारां, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है और 6 अक्टूबर को बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि एक दो स्थानों पर बादल जरूर छा सकते हैं। 4 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम लगभग शुष्क रहेगा और 5 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान में मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास भी लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन लैपटॉप की कीमत अधिक होने की वजह
वजह से लैपटॉप खरीदने से लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है रिलायंस जियो 4G इनवेल्ड लो कॉस्ट लैपटॉप लॉन्च करने वाला है और इसकी कीमत करीब 15,000 रुपए होगी। माना जा रहा है रिलायंस जियो जल्दी ही इसे मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्वालकॉम कंपनी आर्म लिमिटेड की टेक्नोलॉजी से तैयार चिपसेट को जियो के लैपटॉप के लिए उपलब्ध करवाएगी। वहीं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर माइक्रोसॉफ्ट ऐप सपोर्ट देगा। कंपनी इस लैपटॉप को सस्ते 4G जियो फोन की तर्ज पर उतारेगी। अगर आप काफी समय से लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं और आपका बजट अलाउड नहीं कर रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि रिलायंस जियो अब उतारने जा रहा है सबसे सस्ता लैपटॉप। कीमत मात्र 15,000 रुपए हो सकती है। और देश के जालौर जिले से बड़ी खबर, जालौर जिले के रानीवाड़ा पुलिस ने 16,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बड़गांव से आरोपी को पिस्टल के साथ पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी के पास 5,500 के 32 नकली नोट मिले हैं। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी अपडेट, 26 सितंबर को दिल्ली गए सचिन पायलट 7 दिन के बाद वापस जयपुर लौटे हैं। जयपुर स्थित उनके आवास पर उनके समर्थक विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल आपको बता दूं 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद ही राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर आलाकमान कोई बड़ा निर्णय लेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान खुद यह बातें अच्छी तरीके से जानता है। अगर अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और इससे पहले आपने देखा होगा सीएम गहलोत और उनके गुट के विधायकों ने अपने तेवर भी दिखा दिए हैं। तो यही थी देश और प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।